हिमाचल में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, उनके आंकलन के आधार पर भाजपा इस बार रिवाज बदलेगी और बहुमत से हिमाचल में सरकार बनेगी। ये बात शिमला में भाजपा प्रदेश चुनाव सह प्रभारी देवेंद्र राणा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। राणा ने कहा कि प्रदेश की जनता ने सरकार के विकास पर विश्वास किया है। पार्टी के आंतरिक सर्वे और दूसरे विभिन्न सोर्सेज के सर्वे के आधार पर दोबारा भाजपा की सरकार बन रही है। कांग्रेस से लगातार नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस की कमजोर अंदरूनी ढांचे और बीजेपी के नेतृत्व पर लोगों के विश्वास से बीजेपी सत्ता में आएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने पर भी राणा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट केवल गांधी परिवार के पास ही है। केवल कुर्सी खाली है तो कुछ दिन के लिए खड़ाव पकड़ने के लिए आए हैं। वे केवल भरत की भूमिका में हैं। लोगों की पसंद का व्यक्ति ही देश में राज करेगा, जो भाजपा के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। खड़गे जी को बना दिया और उन्होंने आज प्रेस वार्ता में ये कहा, एक साइड लाइन में कहा, वी ट्राई टू पर्सुएड राजीव राहुल जी बट ही डिड नॉट एग्री, ही इज द बेस्ट चॉइस फॉर दिस। और वो ही इज पार्ट ऑफ माई सेइंग बिकॉज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत एक लायक और काबिल आदमी है और एक माने नाने इकोनॉमिस्ट है, लेकिन खड़गे जी जो है वो सिर्फ भरत का रोल करने आए हैं। रामायण में होकर भरत का रोल, वो उसी खाली में खड़ाओं को पकड़ के बैठने के लिए आए कि दो चार दिन बैठो फिर वापस लाना है, क्योंकि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है उनको, यही है कि यही है बस, और कोई नहीं हो सकता। एंड इंडिया हैज रिजेक्टेड दैट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एंड परिवारवाद। रामचंद्र आप नहीं, अगर आप रामचंद्र राहुल जी को बनाएंगे तो फिर राम राज्य की डेफिनेशन ही बदल जाएगी। आपके पुत्रों को भी टिकट मिले हैं, विधायकों की पत्नियों को भी टिकट मिले हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि सच में सिद्धांतों क्या क्या दो आदमियों को टिकट मिला, क्या बाप और बेटे को टिकट मिला, क्या खामद और बीवी को टिकट मिला? ऐसा नहीं हुआ। जो उन्होंने कहा वही बात वही हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इन द नर्सरी, वो केजी में जाता है, प्राइम मिनिस्टर इन द केजी, प्राइम मिनिस्टर इन द प्राइमरी, प्राइम मिनिस्टर इन द कॉलेज, और 50 साल की उम्र तक वो ढूंढता रहता है व्हेन एम आई गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज आई एम बीइंग बोर्न एज अ प्राइम मिनिस्टर, लोग हो या ना हो। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स को भी बीजेपी ने खत्म किया, और इसलिए रिवाज जो हमारा हमने बदला उससे लोगों को समझ आई कि यहाँ पे ये जो सिलसिला चल रहा है परिवारवाद का सिलसिला चल रहा है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का चल रहा है, वो नहीं। जमहूरियत में वो आदमी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा जिसके समर्थन में लोग। और आज जब कल आखिरी दिन था नामांकन पत्र भरने का और सभी प्रमुख दलों के जो सूची है प्रत्याशियों की वो आ गई है, उसके बाद हमने एक पूरा आंकलन किया और एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक एक प्रत्याशी का एक आंकलन करने के बाद मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि सर्वेस के आधार पे और जो ग्राउंड की स्थिति है, जमीनी सतह पे जो हालात हैं, सियासी हालात हैं, उनको समझने के बाद उनका पूरा एक एनालिसिस करने के बाद हमें ये यकीन हो गया है कि रिवाज बदलेगा और हिमाचल प्रदेश में एक मर्तबा फिर भाजपा की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ एक सरकार दोबारा कायम होगी। ये तय हो चुका है, पहले तो सियासी समीकरण से हुआ था और हमारे जो विरोधी दल हैं उनके अपने अंदरूनी ढांचे की कमजोरी से हमें यकीन था और लोगों के
भाजपा पे विश्वास, भाजपा के नेतृत्व पे विश्वास की बुनियाद पे हमें ये यकीन था कि ये सरकार बनेगी। लेकिन कल जब प्रत्याशियों की भी लिस्ट आई और जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको देखते हुए, बड़ी जिम्मेवारी से मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगली सरकार जो है वो भाजपा बड़े कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ हिमाचल में बनाएगी, क्योंकि लोगों का यकीन, लोगों का विश्वास हिमाचल की जनता का डबल इंजन सरकार पे है। केंद्रीय नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पे है और यहां के सरकार पे जो 5 साल की कारकर्दगी है उस पे यकीन करते हुए लोगों ने मन बना लिया है। ये हमारा आंकलन है, ये ग्राउंड की रिपोर्ट्स हैं और हम बड़े मुतमईन हैं कि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एनालिसिस करने के बाद हमारा इंटरनल जो एनालिसिस है उसके बुनियाद पे, विच इज बेस्ड ऑन सर्वेज फ्रॉम मल्टी डिफरेंट कॉर्नर्स, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट बीजेपी विल फॉर्म अ गवर्नमेंट आफ्टर द इलेक्शंस विद एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। थैंक यू।